मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। कैसे आप लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते हैं, मैं आपको बार बार यही बात बोलती हूं कि हर परेशानी अपने साथ सोल्यूशन को लेकर आती है। कभी सारे दरवाजे एक साथ बंद हो ही नहीं सकते, बस आपको हिम्मत और होप दोनों बनाए रखनी है। क्या क्या चीज़ें आज हम कवर करेंगे शो में, चलिए आपको वो नज़र कराती हूँ। बजरंग बली हनुमान जी करेंगे आपकी नैया पार, दिखाएंगे परेशानियां खत्म करने के नए रास्ते। बुरे सपनों से पीछा छुड़ाएगी फिटकरी, हेल्थ बनाएगी सॉलिड। कई जत्नों के बाद भी शादी में रुकावट आ रही है, सिंपल उपाय करेंगे शादी का इंतज़ार खत्म। घर के सिंपल सिंपल चीज़ें, रसोई में पड़ी हुई चीज़ें आपको बनाएंगे नेचुरली ब्यूटीफुल। अपने कल को सुधारने के लिए आज थोड़ी सी मेहनत कर लें और अपना लकी टाइम जानकर हर रुके हुए काम को उस समय पर करें। फिटकरी, जिसको लोग कुछ समय पहले शेविंग के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे, आफ्टर शेव था, आप जानते हैं वो कितने कमाल की चीज है। अगर आपके घर में फिटकरी नहीं पड़ी हुई तो लाकर रखें। आपको बताऊंगी फिटकरी के ऐसे फायदे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले ट्यूजडे है और हनुमान जी की बात ना करूं, ये कैसे हो सकता है। आपको तो प्रॉमिस किया था कि हनुमान जी से आपकी परेशानियां खत्म करने के तरीके बताऊंगी। रामायण के मुताबिक हनुमान जी फियरलेस नेचर के हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी हर परेशानी को बिना डरे सामना करना चाहिए, साथ ही परेशानी का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने घर में हनुमान जी की ऐसी तस्वीर जिसमें पहाड़ उन्होंने हाथ पे उठाया हुआ है साउथ डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपकी सारी परेशानियां गायब हो जाएंगी। किसी भी परेशानी के आते ही हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव गहराइयों में उतर जाते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस के बारे में सोचने लगते हैं। बस यही आदत हमें परेशानी में डालती रहती है और उससे डराती रहती है। डर को दूर करने के लिए आप मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्पिरिचुअल लेसन सुन सकते हैं। लेकिन आप एक काम और कर सकते हैं, आप अपने घर में साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में, साउथ डायरेक्शन और साउथ ईस्ट के बीच में हनुमान जी गदा लिए हुए हाथ में ऐसी फ़ोटो लगा देते हैं तो आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। हनुमान जी से आप लॉयल्टी यानी कि वफादारी भी सीखिए। रामायण के आधार पर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के सबसे वफादार सेवक हैं। हनुमान जी की ये भावना हमें सिखाती है कि हमें भी रिश्तों के प्रति, दोस्तों के प्रति लॉयल रहना चाहिए। कुछ भी ओपिनियन देते समय ईमानदारी रहनी चाहिए, चाहे वो ओपिनियन कितना ही कठोर क्यों ना हो। अपने दोस्तों को खुश रखने के लिए उनका सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको लगता है आप तो लॉयल हैं लेकिन लोग आपकी तरफ लॉयल नहीं हैं, कोई बात नहीं, एक काम करें, हनुमान जी के दास रूप बैठे हुए राम जी के चरणों में दास रूप की तस्वीर आप अपने घर में लगाएं। कहाँ पे लगाएं? ईस्ट डायरेक्शन में, ताकि लोगों के साथ आपकी लॉयल्टी और स्ट्रॉन्ग हो। हनुमान जी से हमें जीने की कला भी सीखनी चाहिए। हनुमान जी जब संजीवनी पर्वत पर पहुंचे तो उन्हें उस बूटी को पहचानने के लिए बड़ी मुश्किल हुई, ऐसे में वो पूरा का पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी जीवन में जल्द ग्रो करने में आपको अगर लगे कि आपकी पूरी एफर्ट नहीं लग पा रहे हैं तो ऐसी परिस्थितियों में पीछे नहीं हटना चाहिए, आपको फट से अपॉर्चुनिटी ले लेनी चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना चाहिए। इच्छा शक्ति से मुझे याद आया कि हनुमान जी ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, मैंने भी आज ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए। ऑरेंज कलर के कपड़े अगर आप अपनी लोअर बॉडी पर पहनते हैं, कमर के नीचे के हिस्से पे अगर ऑरेंज रंग आपको छूता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, चाहे कोई पट्टी चिपका दें अपने कपड़ों के अंदर डाल लें, ऐसे में आपकी विल पावर बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। हनुमान जी में एक और खास खूबी देखिए कि पवित्र मन से उनको शक्ति मिलती है। हनुमान जी दया और विनम्रता के प्रतीक हैं। इनकी इसी भावना हमें दूसरों के साथ ट्रांसपेरेंट और प्यार करने के लिए हमें मोटिवेट करती है। सेल्फलेस रहते हुए भी दूसरों के बारे में पहले सोचना, ऐसा करने से हम दूसरों के दिल में जगह बनाते हैं और लोगों के दिल में जब हमें जगह मिलती है तो हमारी ताकत बढ़ती है।
ऐसे में आप एक काम करें, बाल रूप हनुमान, छोटे बाल रूप हनुमान आपको इजीली इंटरनेट से मिल जाएंगे। ये तस्वीर निकालिए और अपने यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए, या ऐसी तस्वीर लगाइए हनुमान जी की जिसमें वो पुल बनाने के लिए पत्थर डाल रहे हैं। ऐसी तस्वीर नॉर्थ वेस्ट में लगा देने से आपके हर काम का ब्रिज ईश्वर बन जाएंगे और हर काम बनता हुआ मिलेगा।